Hello students, welcome back to e-learning classes. Students, today I am discuss about a unit 1 chapter called Internet and Web Services. In this chapter, students, we know about the how what is the internet and how to use different types of web services and which services provided by the internet. Okay students, so let us start this session and what is the today's first topic. First topic is the introduction. Students, as you know, already know about the internet is a giant network of computers all over the world. Means students, आप लोग जानते हो कि आपका जो इंटरनेट है वो क्या होता है कि आपके कई सारे कंप्यूटर्स के नेटवर्क को कंबाइन करके ही जो कि पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है. कई सारे कंप्यूटर्स को क्या किया, पूरी दुनिया में नेटवर्क के थ्रू अपना कंबाइन किया हुआ है जिसे हम इंटरनेट कहते हैं. इट हैज फैसिलिटेटेड स्पीडी ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन अक्रॉस द ग्लोब. मीन्स आप इंटरनेट के थ्रू कई सारे जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत ही तेजी के साथ आप ट्रांसफर कर सकते हो आप. ठीक है, कि एनी एंटिटी वांट्स टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट मस्ट रिक्वायर अ यूनिक एड्रेस नोन एज अ वेबसाइट एड्रेस. मीन्स स्टूडेंट, जब आप कोई भी साइट विजिट करते हो आप, तो या आप कोई भी चीजें ओपन करते हो, कोई भी चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो आप क्या होता है कि एक वेबसाइट प्रोवाइड की जाती है. उस वेबसाइट के थ्रू आप क्या करते हो कि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप इन्फॉर्मेशन ले लेते हो. तो जो वो वेबसाइट होती है वो एक तरह का एड्रेस होता है जिसे हम कहते हैं वेबसाइट एड्रेस या फिर हम वेब एड्रेस कहते हैं. ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर किसी भी इन्फॉर्मेशन को हमें जानने के लिए उस पर साइट का हम विजिट करते हैं और उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हम पूरी इन्फॉर्मेशन हमको फाइंड हो जाती है. ठीक है, दिस एड्रेस विल बी यूज इन अ यूनिकली आइडेंटिफाई दिस इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट. मीन्स ये था आपका जो भी एड्रेस होता है वो एक तरह से यूनिक होता है जो कि आपको उस पर्टिकुलर वेबसाइट को की आपको एड्रेस मतलब शो करता है कि ये एक पर्टिकुलर मतलब उसके एड्रेस को डिनोट करता है, एक तरह से हम कर सकते हैं. ठीक है, तो इसी तरह कई सारी आपकी वेबसाइट जो है जनरेट की जाती है. एक जैसे मैंने बताया था कि आपकी टू टैक्स होते हैं, एक लेटर से एड्रेस नहीं होती है, नंबर नंबर में होती है. तो जो सभी कुछ तो आपका जो लेटर होता है वही आपका जब नेटवर्क फॉर्म में होता है तो वो नंबर में हो जाता है. तो जो लेटरिंग फॉर्म होती है उसी को ही हम कहते हैं वेबसाइट. आपने देखा भी है कि आप कोई भी वेबसाइट विजिट करते हो तो एक लेटरिंग फॉर्म होता है कि https.org.gov. तो इसी को ही हम वेबसाइट बोलते हैं और ये तरह का एड्रेस हो करता है उस पर्टिकुलर वेब पेज का या वेबसाइट का. तो आज हम इसी के बारे में देखेंगे इस चैप्टर में एंड फिर हम कैसे किस चीज को सर्च करते हैं और वो सर्विसेस क्या क्या होती हैं उनके बारे में. ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर. यूजिंग यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटेड टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन. स्टूडेंट, जो आप वेबसाइट यूज करते हो, ठीक है, जैसा मैंने कहा था आपकी जो वेबसाइट होती है वो आपका एक तरह से एड्रेस होता है. तो यही जो वेब एड्रेस होता है इसी को ही हम URL कहते हैं. मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. इसी को ही हम अगर हम अनदर वर्ड में कहें तो URL भी बोलते हैं. ठीक है, तो URL आर द एड्रेसेस ऑफ वेब पेजेस बिफोर योर ब्राउजर कैन कनेक्ट टू अ वेबसाइट. मीन्स URL क्या होता है, एक तरह का आपका वेब पेज का एड्रेस होता है जो कि आपको वेबसाइट से कनेक्ट करने के लिए पहले आप ब्राउजर का यूज करते हो. ठीक है, इट नीड्स टू नो द साइट एड्रेस द URL द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. मीन्स आप जो भी चीजें आपको जब विजिट करते हो जो एड्रेस होता है उसे हम URL कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था. ठीक है, तो इस तरह आपके जो भी जो आपके URL होते हैं वो आपके फोर पार्ट में डिवाइड होते हैं. वेब पोर्टल जिसे हम कहते हैं, सेकेंड होता है वेब सर्वर होता है, थर्ड आपका डायरेक्टरी नेम होता है एंड फोर्थ आपका होता है फाइल या फिर आपका विद इन जो भी डायरेक्टरी अंदर जो फाइल होती है. जैसे लाइक अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो कैसे हम इसको शुरू करेंगे. अब जैसे सपोज आप क्या करते हो, आप सबसे पहले आपने लिखा जो भी आपकी वेबसाइट होती है https होती है आपकी, कॉलम साइन स्लैश स्लैश होता है आपका. ठीक है, फिर आपका क्या होता है डोमेन नेम होता है आपका www.google.com या फिर जो भी आप लिखते हो. ठीक है, फिर स्लैश होता है आपका, फिर आपकी डायरेक्टरी नेम होती है कि आपकी फाइल्स किस जगह पर है उसे शो करता है एंड उसके बाद क्या होता है आपका फाइल नेम होता है. तो ये आपका फोर्थ पार्ट में है. एक तो आपका होता है पहला आपका प्रोटोकॉल होता है जो कि इतने पार्ट को हम कहते हैं. ठीक है, ये मीन यहाँ पार्ट को ये प्रोटोकॉल होता है. इसके बाद यहां से लेकर के आपके यहां तक को हम कहते हैं डोमेन नेम. डोमेन नेम होता है आपका
उसके बाद आपकी यहाँ पे जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं डायरेक्ट्री नेम, DIR जिसे कहते हैं, और इस डायरेक्ट्री का ही क्या होता है यहाँ पर आपका फाइल नेम होता है, ठीक है, जो लास्ट में होता है। ये आपके कोड पार्ट में URL डिवाइड होता है, ठीक है, इस सब कोड पार्ट में आपका URL जिसे हम बोलते हैं, और इसी को ही कंप्लीट को ही हम वेब एड्रेस कहते हैं, या फिर हम इसे कहते हैं वेबसाइट कहते हैं, या फिर हम इसे URL कहते हैं। ओके स्टूडेंट, फिर अब हम बात करेंगे, चलेंगे हम नेक्स्ट की ओर, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है क्या और फिर उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा स्टूडेंट है सर्च इंजन। अब सर्च इंजन क्या होता है स्टूडेंट, कि सर्च इंजन आपको पता है कि इंटरनेट क्या करता है कि आपको कई सारे वेब पेजेस एंड वेबसाइटों का कलेक्शन वो रखता है अपने पास, ठीक है। तो जब हम किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन या किसी सब्जेक्ट या कोई टॉपिक होता है जब हमें सर्च करना होता है तो हमें किसी ना किसी सर्च इंजन की किसी वेबसाइट को विजिट करने के लिए, उसके एड्रेस को सर्च करने के लिए, हमें एक या किसी इंफॉर्मेशन को बारे में निकालने के लिए हमें उसकी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में तो हमें सर्च इंजन की नीड होती है। सर्च इंजन क्या करता है, वो एक तरह से डायरेक्टरी को शो करता है जिससे कि हमें उसके एड्रेस क्या है उसके बारे में बताना है, अगर कोई टॉपिक है तो उसके टॉपिक रिलेटेड क्या उसकी एड्रेसेस है उसके बारे में बताना कि कहाँ पे क्या है उसका एड्रेस, अगर आप इससे जाओगे तो यहाँ पे ये मिल जाएगा, वो सब आपको सर्च इंजन बताता है, ठीक है। तो अगर हम कहें सर्च इंजन होता क्या है, तो अ सर्च इंजन इज अ टूल डिजाइन टू सर्च द वेब फॉर इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू गिवन कीवर्ड। सर्च इंजन क्या करता है, एक मतलब कि आपके वेब या इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो है आपके वेब को मतलब सर्च करने के लिए वेब पर जो भी आपके डिजाइनिंग की जाती है उसे कि आप कोई भी कीवर्ड से टॉपिक दीजिए तो उसको आपको सर्च करके वो आपको उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को सर्च करने के बाद आपके सामने वो शो करके दिखाए, ठीक है। तो आपके कौन कौन से सर्च इंजन होते हैं, अगर एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो आपका होता है गूगल आपका सर्च इंजन है आपका, ठीक है। इससे आपका मोज़िला है, याहू है, विकिपीडिया है, ये सब आपके क्या है सर्च इंजन है, जो कि आप जब भी कोई भी टॉपिक मेंशन करते हो आप तो ये आपको उससे रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट शो करता है और उससे रिलेटेड आपको मोर इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है, ओके। फिर अगर हम बात करते हैं इसके एडवांसेस एंड डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करेंगे तो स्टूडेंट पहले तो अगर हम एडवांटेजेस को देखते हैं कि दे प्रोवाइड अ ग्रेट एजुकेशनल बेनिफिट, मीन्स यहाँ आपको मतलब कि एजुकेशनल पर्पज की बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होता है आपका। दे यूज टू ट्रेवल सर्चिंग, आपको जब ट्रैवल करते हो आप उस चीज को भी सर्च कर रहे हो कि आपको जाना कहाँ, ट्रेवल कहाँ कर रहे हो, प्रेजेंट टाइम में कहाँ, ये सब आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देता है। दे सेव आवर टाइम बाय लिमिटिंग द नीड टू फाइंड इन्फॉर्मेशन मैन्युअली, ठीक है। इट सम सर्च इंजन सर्च एज गूगल, बिंग, याहू सर्च आर फ्री, ये सब क्या होते हैं फ्री आपके सॉफ्टवेयर होते हैं कि गूगल इंजन मतलब कि आपके सर्च इंजन होते हैं। अगर इसके हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो सम सर्च इंजन सो टू मच यूजलेस इन्फॉर्मेशन, वाला कुछ सर्च इंजन होते हैं जो कि आपको बेकार बेकार के इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं और उसमें कई सारी चीजें जो भी आपके वाला अनरिक्वायर हो तो वो भी चीज आपको सोखा जैसे डिफरेंट डिफरेंट आप जब सर्च इंजन देखते हो तो वहाँ पे आपकी वेबसाइट से होती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की और उसमें या फिर आपको मार्केट से चले कि ये परचेज कर लीजिए वो कर लीजिए, ये सब डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपको वहाँ पे शो होता है एडवर्टीजमेंट से लेकर। सम सर्च इंजन सर्च एज लाइजिनेस के सर्च आर्ट ऑफी, मीन्स कुछ सर्च इंजन ये होते हैं जो कि आपको मतलब कि कॉस्ट आपको देना पड़ता है उस इंजन को सर्च इंजन को यूज करने के लिए, जैसे आपका लाइजिनेस जो लाइजिनेस ही होता है आपका वो क्या करता है ये आपका सर्च इंजन है जो कि आपको चार्ज करता है कि आप जब उसका यूज करो तो आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। लेवेंट सर्च इंजन इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, जो कुछ सर्च इंजन होते हैं जो कि आपका हर जगह क्या होते हैं कि आपके पॉसिबल नहीं होते, जो कि जिससे हम रिलेवेंट सर्चिंग कहते हैं इसे, ठीक। इसी तरह आपके डिफरेंट डिफरेंट आपके और भी होते हैं जैसे लाइक अगर हम बात करते सेकंड की तो यूजिंग सर्च इंजन टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन कि हम कैसे हम सर्च इंजन का यूज करके हम कैसे इन्फॉर्मेशन को हम मतलब कि हम कैसे हम उसको फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे स्टूडेंट्स आप क्या करते हो जब आप किसी टॉपिक को आप इंटरनेट पर खोलेंगे तो आपके ब्राउजर से कनेक्ट होना चाहिए सर्च इंजन से, जब आप किसी जो भी सर्च इंजन आप यूज करते हो जब आप टॉपिक दोगे आप सभी लोगों को पता है कि आप जैसे ही टॉपिक देते हो तो क्या करता है वो आपको पर्टिकुलर उस वेबसाइट ले जाता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट देता है कि उस टॉपिक रिलेटेड कौन कौन सी वेबसाइट या वेब एड्रेस है, आपको उस वेब एड्रेस को क्लिक करके आप पर्टिकुलर उस टॉपिक से रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करते हो, क्लियर। तो सपोज यू वांट टू सर्च एंड एक्सेस इन्फॉर्मेशन ऑन व्हाट इज इंटरनेट, सपोज मान लीजिए आप सर्च करो व्हाट इज इंटरनेट क्या है, इन ऑर्डर टू हेल्प यू लोकेट इन्फॉर्मेशन इजली
वो आपको एक इन्फॉर्मेशन, मतलब कि आपको लोकेशन प्रोवाइड करेगा इजिली, मतलब कि आपको लोकेट करेगा उस इन्फॉर्मेशन के बारे में। देर आर नंबर ऑफ साइट ऑन द इंटरनेट आर टू प्रोवाइड सर्च इंजन, जैसे भी मैंने बताया कि आपको कई सारे वेबसाइट के आपको क्या बताएगा सर्च, मतलब कि सर्च इंजन के थ्रू आपको कई सारे लिंक प्रोवाइड करेगा, वेबसाइट प्रोवाइड करेगा, जिसके थ्रू आप उसके उस वेबसाइट को विजिट करके उस पर्टिकुलर के बारे में आप इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो। क्लियर? फिर हम चलेंगे अब आप फाइंडिंग पीपल ऑन द इंटरनेट। मान लीजिए अगर आप किसी के बारे में, अगर आपको फाइंड करना है किसी पर्टिकुलर टॉप, मतलब कि कोई पर्सन है उसके बारे में आपको नाम पता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप क्या करोगे, उस सर्च इंजन पे जाओगे आप, उस हमारे कोई भी है, गूगल जैसे सपोज मान लीजिए गूगल का बहुत लोग यूज करते हैं और ये यूजफुल बहुत ज्यादा है, तो गूगल पे आप जाकर के सर्च इंजन पे आप उस पर्सन का नाम देते हो, जैसे ही आप करते हो तो उसकी ढेर सारी इमेजेस आ जाती है, उसके बारे में कई सारी इन्फॉर्मेशन अलग अलग होती है, लिंक प्रोवाइड होता है कि, तो आप उस पर जाकर के उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में पूरी डिटेल से आप उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। हर एक चीज आपको शॉर्टली भी मिला मालूम हो उसके बारे में दिया होता है शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन, एंड डिटेल में भी वो पूरा दिया होता है उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में जो भी फेमस पर्सन होते हैं। ठीक है, ये सब आपको जो है अगर आप इसको देखोगे आप कैसे, आप जैसे लाइक जो भी कुछ सर्च इंजन कुछ नेटवर्किंग आपके सोशल मीडिया होते हैं जैसे फेसबुक हो गया, पीक्यू हो गया, स्कूक हो गया, ये सब क्या है, आपको यहाँ पर फाइंड करना चाहते हो किसी बारे में, वो सब पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। ओके, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड है क्या और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में स्टूडेंट नेक्स्ट स्लाइड पे है वेब सर्विसेज। तो वेब सर्विसेज क्या होती है स्टूडेंट, देयर आर सेवरल वेब सर्विसेज अवेलेबल टूडे लाइक अ मेल, मीन्स कई सारे आपके वेब सर्विसेज अवेलेबल है। ठीक है, जो कि आपको कई मतलब कि आपको वेब से रिलेटेड कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसमें कि आप कोई भी मैसेज सेंड करना हो, फाइल ट्रांसफर करना हो, या कम्युनिकेशन करना हो, ऑनलाइन चैटिंग करनी हो, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। जैसे लाइक ई मेल की अगर हम बात करते हैं तो आपको ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे आपको चैट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना हो, चैटिंग करनी हो, अपने थॉट को व्यू को रखना चाहते हो, तो बहुत सारी चीजें जो कि वेब सर्विसेज ये सब प्रोवाइड करती है कि आप इसके थ्रू आप अपनी फाइल शेयर कर लो आप, या फिर अपने जो भी थॉट रखना चाहते हो, तो बहुत सारी जैसे कि ब्लॉग हो गया आपका, सोशल नेटवर्किंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, ये सब आपको वेब सर्विसेज की एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब हम चलेंगे पहला इसके जो एग्जाम्पल आपका है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ईमेल। ठीक, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो स्टूडेंट जैसे कि आप जानते हैं ईमेल क्या है, एक तरह का एक सिस्टम है दैट अलाउज टू टेक्स्ट बेस्ड मैसेज टू बी एक्सचेंज इलेक्ट्रॉनिकली वाया इंटरनेट, मीन्स ये आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप जो भी टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस होते हैं उनको आप इंटरनेट के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिकली आप कहीं पर भी सेंड कर सकते हो आप। ठीक है, और वहां की इंफॉर्मेशन को आप रिसीव भी कर सकते हो आप। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स ऑन द ऑनलाइन कम्युनिकेशन, ये बहुत ही मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स है जो कि ऑनलाइन कम्युनिकेशन के लिए। इट कन्वे मैसेज फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अनदर विद इन अ सेकेंड, मीन्स या एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो कि आपके मैसेज को क्या करता है, ट्रांसफर करता है, कन्वे करता है वन डेस्टिनेशन से अनदर डेस्टिनेशन पे। सेंडिंग मेल इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट इज फास्ट, मीन्स जो भी आप मेल सेंड करते हो वो क्या होता है, बहुत ही तेजी के साथ फास्ट मतलब कि सेंड होता है। इनएक्सपीव एंड रिलायबल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स बहुत ही विश्वसनीय होता है और बहुत ही तेजी के साथ ये वर्क करता है। अपार्ट फ्रॉम टेक्स्ट ईमेल्स कैन ऑल्सो कंटेन पिक्चर साउंड वीडियोज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीजें, ग्राफिक वीडियोज को भी ये सब क्या करता है, आप ईमेल के थ्रू आप सेंड कर सकते हो। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। तो आई होप आप लोगों को ईमेल के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करते हैं इसके ईमेल एड्रेस की, तो ईमेल एड्रेस क्या होता है स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो कि द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर बोथ सेंडिंग एंड रिसीविंग कम्युनिकेशन इज हैविंग एन ईमेल अकाउंट, मीन्स आपको कोई भी ईमेल अकाउंट के लिए आपको एक बेसिक कम्युनिकेशन के लिए आपको एक रिक्वायरमेंट होती है, एक एड्रेस जिसे हम कहते हैं कि अगर आप कोई भी कम्युनिकेशन सेंड कर रहे हो रिसीव कर रहे हो तो उस चीज के लिए आप क्या होता है कि आपके पास एक ईमेल अकाउंट होना चाहिए कि आप क्या सेंड कर रहे हो क्या रिसीव कर रहे हो। विदाउट ईमेल अकाउंट के आप ना तो कोई मैसेज सेंड कर सकते हो और ना ही कोई चीज रिसीव कर सकते हो आप। वेन यू गेट योर ईमेल अकाउंट यू गेट योर ऑन ईमेल एड्रेस, मीन्स जैसे ही आप अपना एक ईमेल अकाउंट क्रिएट करोगे आप तुरंत ही एक आप ईमेल एड्रेस आपको फाइंड हो जाएगा, तुरंत आपको ईमेल एड्रेस मिल जाएगा तुरंत।
ठीक है। तो इसमें आप अगर कह सकते हो कि योर, जैसे मान लीजिए अगर आप फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं कि आप, अगर हम आपके बात करते हैं हाउस में, अगर आप कोई चीज पोस्ट करते हो तो आपका हाउस का क्या होता है, एक पोस्टल एड्रेस होता है आपका, परमानेंट एड्रेस होता है, जहाँ पे आपके कई सारे जो लेटर अगर कोई सेंड करता है किसी कंपनी के द्वारा, वो आपके एड्रेस पे ही आता है, ठीक है। तो इसी तरह आपका ईमेल अकाउंट भी क्या होता है, एक उसका भी एड्रेस होता है, हर एक हाउस का अपना एक एड्रेस होता है, इस तरह आपके ईमेल अकाउंट का भी, हर एक का, इसका जिसका भी ईमेल अकाउंट होता है उनका एक अपना एड्रेस होता है, ठीक। तो जब आप उस ईमेल को भेजोगे तो आप एड्रेस को मेंशन करोगे, और जैसे ही आप एड्रेस को मेंशन करोगे तो जब आप कोई भी लेटर या कोई भी चीज पोस्ट करते हो, सेंड करते हो मैसेज के थ्रू, तो वो उस ईमेल आईडी के थ्रू उस पर्टिकुलर पर्सन की जो भी ईमेल अकाउंट होगा वहां पर उसको रिसीव हो जाता है। तो इस तरह से हम अपने क्या करते हैं, फाइल्स को हम इस तरह से शेयर कर सकते हैं ईमेल एड्रेस के थ्रू, ठीक। फिर हम इसकी बात करते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईमेल की। तो अगर हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस देखते हैं तो पहले हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एडवांटेजेस। तो इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, व्हाट इज एडवांटेजेस ऑफ ईमेल। तो ईमेल्स आर डिलीवर्ड एक्सट्रीमली फास्ट देन कंपेयर टू ट्रेडिशनल पोस्ट। अगर हम बात करते हैं कि जो आप ट्रेडिशनल पोस्ट अगर आप जो करते हो, रियल लाइफ की बात कर रहे हैं, अगर आप कोई लेटर भी पोस्ट करना होता है तो क्या होता है, बहुत ज्यादा टाइम लेता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में आपके लेटर को ट्रांसफर करने के लिए तो एक पर्सन चाहिए होता है जो उसको लेकर जाता है, वहां पे डिसेंड उसको पहुंचाता है, और फिर वहां से कोई मैसेज को लेके आता है, ठीक है। तो ईमेल क्या होता है, इतना तेजी से वर्क करता है कि आप विद इन अ सेकंड में आपने एक मैसेज सेंड किया, अगर उसको रिप्लाई करना वो तुरंत आपको रिप्लाई भी कर देता है, ठीक। ईमेल कैन बी सेंट एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, आप कभी भी आप ईमेल सेंड कर सकते हो डे और नाइट, कभी भी जब भी आप कमन किया तब आप सेंड कर देते हो, ठीक है। ईमेल सेव टाइम, ईमेल क्या करता है आपको टाइम भी सेविंग करता है, आप विल डू नॉट हैव टू बी प्रेजेंट टू रिसीव अ मैसेज। अगर आपका, अगर वहां पे आपका कोई पर्सन जरूरी नहीं कि वहां पे बैठा रहे और आपको वो रिसीव करने के लिए आपको मैसेज कब भेजोगे, कब वो रिसीव होगा, तो उसकी कोई नीड नहीं होती है, आपने मेल भेजा उसके अकाउंट में चला गया, उसको जब देखना हो तब उसने अपने देख लिया अपना उठा करके, ठीक है। मल्टीपल कॉपीज ऑफ ईमेल मैसेज कैन बी सेंड टू ग्रुप ऑफ पीपल, मीन्स आप कई सारी अगर मेल अगर आप सेंड करना चाहते कई सारे अलग अलग तो आप उसकी एक कई सारी कॉपी बना करके एक साथ आप एक ही मेल पे एक कॉपी से ले, मतलब एक जो भी है उसे कलेक्ट किया फाइल्स को और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन दिया मल्टीपल लोगों को, और वो सब जगह क्या होगा उसकी डिफरेंट कॉपी क्या होगी सबके पास पहुंच जाएगी हर एक ईमेल अकाउंट पर, ठीक। फाइल्स एंड इमेजेस कैन बी सेंड विद एंड द मेल्स, आप कोई भी फाइल्स और इमेजेस सेंड कर सकते हो, ऑडियो वीडियो भी सेंड कर सकते हो, ये सभी मेल डू नॉट यूज पेपर, ये आपको कोई पेपर नहीं होता, इको फ्रेंडली होता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं अब इसके डिसएडवांटेजेस की, तो डिसएडवांटेज देखेंगे तो टू रिसीव मेल द रिसिपिएंट एक्सेस टू द इंटरनेट, मीन्स जो भी आप मेल रिसीव करते हो जो भी रिसिपिएंट होते हैं वो क्या करते हैं उस इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, ठीक है। ईमेल कैरी वायरसेस, वायरसेस एंड स्मॉल प्रोग्राम्स मीन्स टू हार्म योर कंप्यूटर सिस्टम, ईमेल्स के थ्रू क्या होता है आपके वायरस भी आ सकते हैं और आपके सिस्टम को हार्म कर सकते हैं, ओके। बहुत सारी चीजें होती हैं, समटाइम्स ईमेल्स आर ऑब्जर्वेड बाय हैकर्स, मीन्स आप कुछ क्या होते हैं कभी 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 ऐसा होता है कि आपके जो ईमेल्स होते हैं वो हैकर के द्वारा वॉच किया जाता है, आपके ईमेल अकाउंट में क्या आया हुआ क्या है सब कुछ आपकी इंफॉर्मेशन के पास जाती रहती है, तो वायरस के मैनी पीपल सेंड अनवांटेड ईमेल्स, आप कई सारे लोग क्या होते हैं कि अब आपको अनवांटेड ईमेल सेंड करते हैं जिसे हम स्पैम्स या जंक फाइल्स कहते हैं, ठीक है, जंक मेल कहते हैं। जैसे ही अगर आप उसे ओपन करते हो तो आपके सिस्टम में वायरस आ जाते हैं और उस वायरस के थ्रू हैकर्स आपके सिस्टम को हैक कर लेते हैं या पूरे आपके ईमेल इंफॉर्मेशन आपके वो स्टील कर लेते हैं, क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, अब है क्या हमारा हाउ टू क्रिएट एन ईमेल अकाउंट। अब स्टूडेंट्स हम इसमें देखेंगे कि कैसे हम ईमेल अकाउंट को क्रिएट करते हैं, तो इसको हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, तो चलते हैं देखते हैं कैसे हम क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम सबसे पहले जाएंगे सर्च इंजन पर, कोई भी सर्च इंजन ले लेंगे हम, ठीक है। अगर यहाँ पे मोजिला है तो हम मोजिला पे पहले जाएंगे, ये हमारा ब्राउजर है, ब्राउजर के थ्रू हम सर्च इंजन सर्च करते हैं। यहाँ ब्राउजर जाकर के हम गूगल पहले हम जाएंगे, गूगल हमारा सर्च इंजन है, google.com, ये हमारा सर्च इंजन आ गया। और अब हमें अगर कोई जीमेल अकाउंट क्रिएट करना है तो हमारा यहाँ पे एक जीमेल आ जाता है, या तो आप यहाँ से जीमेल पे जा सकते हो, आप जीमेल लिख करके आप यहाँ से भी आप जा सकते हो। जैसे ही आपने दिया आपको देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे आपको, ठीक है, जीमेल्स के, आप यहाँ से जीमेल पे जा सकते हो आप,
ये देखिए आपका ये जीमेल आ गया। अगर आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ है, सपोज अगर आपने क्रिएट किया हुआ है तो साइन इन पे जाके क्लिक करोगे आप, ठीक है। और सपोज अगर आपने अकाउंट नहीं क्रिएट किया हुआ है तो आप क्रिएट अकाउंट पे जाओगे आप। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो आप कि अगर आपने अकाउंट आप क्रिएट है, साइन इन पे क्लिक कर दोगे आप। अगर आपका अकाउंट नहीं क्रिएट है तो आप लिखो क्रिएट एन अकाउंट, यहाँ पे क्लिक करोगे। और आप अपने अगर सब न्यू यूजर हो तो ईमेल यूज करने वाले तो आप क्रिएट एन अकाउंट पे करोगे आप क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको यहाँ पे आपकी डिटेल मांगी जाएगी। जैसे आपका नेम हो गया, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम क्या है, चूज योर यूजर नेम जिससे आपको ईमेल आईडी बनानी है उससे आप यहाँ पे चूज करके बनाओगे आप, अपने पासवर्ड क्रिएट करोगे आप, फिर दोबारा कंफर्मेशन पासवर्ड आता है उसी को रिपीट करना है, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ देते हो आप, जेंडर अपना बताते हो मेल हो कि फीमेल हो, मोबाइल नंबर बताते हो आप कि आपका मोबाइल नंबर क्या है, योर करंट ईमेल एड्रेस अगर आपने पहले बनाया हुआ है तो आप दीजिए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। फिर लोकेशन आप बताते हो कि आप हो कहाँ से, इंडिया से हो कि कहीं अनदर कंट्री से हो, उसको आप बताते हो। जब आप ये सब फुलफिल कर लेते हो तो आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप का ऑप्शन आता है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, वो आपसे कंफर्मेशन लेता है और फिर आपके मोबाइल से अगर रहता है तो मोबाइल पे कंफर्मेशन मैसेज जाता है कि आप अगर आप क्रिएट कर रहे हो, आपके नाम का ये अकाउंट है और आपका मोबाइल नंबर ये है, तो ओटीपी उस पर आएगा या उसमें से आपका जो कि आपसे परमिशन मांगेगी कि आप क्रिएट करने की परमिशन दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, उसे आप उसे जानते हो या नहीं जानते हो। अगर आप ही हो तो आपको कंफर्मेशन दे दोगे उसे तो वो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, क्लियर। इस तरह से हम अपने अकाउंट को क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब सपोज मान लीजिए नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है फिर उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था कि हाउ टू कंपोज एंड सेंड एन ईमेल, हम कैसे कि अपने अकाउंट को कैसे कंपोज करेंगे और कोई मेल को हम कैसे सेंड करेंगे। तो फिर चलते हैं हम, तो सपोज मान लीजिए हमने अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो हम यहाँ पे ना आकर के हम चलेंगे साइन इन करेंगे, जैसा कि हमने किया हुआ है ऑलरेडी, तो हम अपना ओपन करेंगे जो कि हमारा ये बना हुआ है खुद का। और यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन इन किया, यहाँ पे दिया, आप भी इसका करोगे, साइन इन करोगे, आपसे ईमेल आईडी मांगेगा जो आप दोगे, फिर नेक्स्ट करोगे, एंड नेक्स्ट करने के बाद आप इस पे पासवर्ड दोगे जो कि आप पासवर्ड क्रिएट किए रहोगे, तो अपना बनाए हुए हैं तो उसको हम देंगे। ये पासवर्ड हमारा है एंड साइन इन कर देंगे हम। जैसे ही साइन इन किया तो आप देखोगे मेरा मेल आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट हमारे मेल्स आ गए। तो अभी हम बात कर रहे थे कि कैसे हम अपने मेल्स को कंपोज करेंगे और किस तरह से हम सेंड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख रहे होगे कि आपके यहाँ पर जो शो हो रहा है आपका एक कंपोज का ऑप्शन लिखेगा, कंपोज मेल यहाँ पर, ये देखिए ये है आपका कंपोज मेल। अगर आप आओगे यहाँ पे साइड में, ये आपका कंपोज मेल का ऑप्शन है, ये जहाँ पे आपका हैंड बना हुआ है ये कंपोज मेल का ऑप्शन है। जैसे ही आप इसको टच करोगे आप, ये हमने जैसे ही टच किया, ये कंपोज के आपके रिक्वायरमेंट आएंगे, इसमें क्या क्या नीड है और इसमें क्या क्या आपको चाहिए उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इसमें कि सबसे पहले अगर जैसे टू है, ठीक है, तो आपको जो भी जिनको भी मेल करना है, हर एक का अपना एक ईमेल अकाउंट होता है आपका। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अगर आपको कोई भी मैसेज सेंड करना होता है मल्टीपल लोगों को, सेम कॉपी सेंड करना होता है एक ही फाइल की, तो यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट मेल अकाउंट का आप यहाँ पे एड्रेस देते हो आप, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सीसी, मीन्स होता है कार्बन कॉपी। अगर आप चाहते हो किसी की एक कॉपी सब जगह पहुंच जाए तो आप कार्बन कॉपी करते हो। बीसीसी मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, कि आप इसे कहते हो, सिर्फ ये हर एक को शो नहीं होता है, आप जिसको सेंड करोगे सिर्फ उनको शो होगा और बाकी सबको शो नहीं होगा। सब्जेक्ट मीन्स आप कौन कौन सी फाइल्स क्या दे रहे हो उनके बारे में, कि आपने जो भी फाइल अटैच की कर रहे हो आप, तो वो उसका नाम क्या है, ठीक है, उसके बारे में अगर आप यहाँ देना बता सकते हो आप। फिर आपका आता है यहाँ पर अटैचमेंट, जैसा कि हम कैसे कि अटैचमेंट था हमारा ना, कि हाउ टू कंपोज एंड हाउ टू अटैचमेंट एंड हाउ टू सेंड। तो अटैचमेंट कैसे करेंगे, यहाँ पे अटैचमेंट का ऑप्शन है, ब्राउजर किया, जैसे हम ब्राउजर करेंगे
आपकी फाइल जहां पे रखी हुई हो आप वहां से अपनी फाइल को उठाओगे आप एंड ओपन पे क्लिक कर दोगे तो आपकी फाइल क्या होगी अटैच हो जाएगी और वो चीज यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। जैसे हम दिखाते हैं यहाँ पर, सपोज मान लीजिए हम जा रहे हैं यहाँ पर ब्राउजर में, कोई फाइल ये है हमने ये किया, ये फाइल आपकी अटैच हो गई, यहाँ पे शो करने लगा। अब यहाँ पे अगर हमें और चाहिए फाइल मोर अटैचमेंट, तो आप मोर अटैचमेंट में जाकर मल्टीपल फाइल्स को हम ले सकते हैं, आप जितना चाहते हो वो कर सकते हो। फिर यहाँ पे हमको जो भी मैसेज देना हो वो हम दे सकते हैं। फिर यहाँ पे हम जाके क्या करते हैं अपनी फाइल्स को हम सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर आप यहाँ से क्या करते हो, जैसे ही आपको अगर कुछ इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देनी हो उस इमेज से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, फाइल अटैचमेंट किया है, तो फिर उसके बाद आप क्या करोगे सेंड कर दोगे। जैसे ही आप सेंड करोगे यहाँ पे क्लिक करोगे सेंड पर, वो तुरंत क्या होगा आपको आप जहां जिसके अकाउंट पे आपने भेजना चाहा है उसके अकाउंट में वो चला जाएगा। क्लियर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम अकाउंट में अपने कंपोज करते हैं एंड कैसे हम किसी फाइल को सेंड करते हैं। ओके अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर एंड नेक्स्ट में फिर उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा है हाउ टू ओपन द रिसीव्ड ईमेल मैसेजेस। अब हम जो भी हमारा मेल रिसीव होता है उसे हम कैसे रिसीव करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखोगे कि जब आपको कोई भी मेल सेंड करता है तो हर एक जो भी आपको मेल होती है वो आपको यहाँ पे होता है, ये रिसीव मैसेजेस होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट आपको मैसेजेस आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं जैसा कि आप हम देख रहे हो। तो यहाँ पर ही जैसे आएगा वो टॉप पे ही आपको शो हो जाएगा कि आपको किसी मैसेज आपको इसके द्वारा जैसे नाम आ रहा है ना कि इन्होंने आपको मैसेज सेंड किया है, क्योंकि हमने क्या किया खुद कोई अभी मैंने मेल किया था और ये मैसेज आया था गूगल की तरफ से सिक्योरिटी अलर्ट मैसेज कि किसी ने आपके अकाउंट को ओपन किया। जैसे कि अभी मैंने अपना अकाउंट ओपन किया है ना, तो वही ये गूगल पर तो अलर्ट आ जाता है, आपको बता भी देगा गूगल कि आपका अकाउंट किसी ने ओपन किया हुआ है, तो तुरंत वो अलर्ट मैसेज दे देता है, ठीक है। क्योंकि आपको मोबाइल पे मेल होता है तुरंत आपको मैसेज मिल जाता है किसी ने आपके अकाउंट को ओपन किया हुआ है, और जितने भी आपके मैसेज आएंगे वो चीज सब कुछ यहाँ पे ही रिसीव होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या था कि अब हम कैसे उसे ओपन करेंगे। तो सपोज मान लीजिए जो भी हमारी फाइल्स है, ठीक, ये मान लीजिए है, सपोज मान लीजिए फिर कुछ और भी है जिसको भी आपको ओपन करना है, वायरस इसमें ज्यादा है हम इसलिए ओपन नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा वायरस यहाँ पर है, हर एक को नहीं ओपन किया जाता है, ठीक है, यानी कि हर एक आपको मेल पड़ा हुआ है तो आप ओपन कर लो कुछ भी, तो इसलिए हर एक को ओपन नहीं किया जाता है। कुछ चीजें होती हैं आप ओपन कर सकते हो, जैसे ये दिया हुआ सपोज इसी को ही हम ओपन करते हैं, तो यहाँ पे अगर आपकी फाइल आपको जो भी मिली रहेगी तो आप क्या करोगे उस फाइल को डाउनलोड कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ से बैक का ऑप्शन आता है, आप जाकर के उसे आप ओपन कर सकते हो, ये आया हुआ है आपको, यहाँ से आप ओपन कर सकते हो जो भी आपका है जितनी भी फाइल्स रहेगी, इस तरह से आप ना देख सकते हो आप, क्लियर। इस तरह से हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगी आपकी फाइल और वो नीचे शो हो जाएगी कि आपकी फाइल डाउनलोड होगी, यहाँ नीचे आ जाएगी, आप ओपन करके उस फाइल को आप देख सकते हो, क्लियर। फिर अब चलते हैं हम नेक्स्ट कि हम कैसे अपने ईमेल अकाउंट को डिलीट करेंगे। तो हाउ टू डिलीट, जैसे नेक्स्ट हमारा है देख लेते हैं वैसे है क्या, नेक्स्ट हमारा यही है हाउ टू डिलीट एन ईमेल मैसेजेस कि कैसे हम कोई भी ईमेल मैसेज को हम डिलीट करेंगे। तो कैसे करेंगे चलिए आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देख रहे हो डिलीट का ऑप्शन, और सबसे पहले आपका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर कि यहाँ पे आपको ये सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, आपको जो जो चीज आपको डिलीट करना है, जैसे मैंने कहा ये एक ये मैंने सेलेक्ट किया, एक ये किया, ये किया, और अगर आप चाहते हो डिलीट ऑल करना चाहते हो तो आप डिलीट ऑल भी कर सकते हो आप, बट सेलेक्ट करने के लिए आपको, ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ नहीं दे रहा है, नहीं तो आप कर सकते हो आप पूरा ऑप्शन यहाँ ऑल का आता है, आप ऑल पे जाकर क्लिक करके आप जो भी सिलेक्ट करना है कर सकते हो जिसको डिलीट करना हो। इस तरह डिफरेंट डिफरेंट आपके मेल्स आते हैं आपके ये, अब आप यहाँ से डिलीट का ऑप्शन आएगा आप डिलीट कर सकते हैं, आप जैसे डिलीट करेंगे आपकी वो फाइल्स क्या होगी डिलीट हो जाएगी, क्लियर। इस तरह से हम क्या करते हैं डिलीट कर सकते हैं।
ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम डिलीट करते हैं फाइल्स को। अब नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, हाउ टू मूव एन ईमेल मैसेजेस। तो अब हम देखेंगे कैसे हम ईमेल मैसेजेस को हम मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। तो सबसे पहले तो आपका आता है जैसे देखिए यहाँ पे आपको आ रहा है ना ऑल में, अगर हम गए हैं तो मूव टू का ऑल मूव टू इनबॉक्स का ऑप्शन आपको यहाँ शो कर रहा है कि अगर हमें किसी चीज को मूव कराना है तो हम कहाँ मूव करा सकते हैं। तो आप पहले सेलेक्ट करोगे आप, एंड मूव करने के बाद जहां भी कहेगा आपको वहां पे आप मूव कर सकते हो। ठीक है, तो आप तुरंत यहाँ पे फिर से वापस इनबॉक्स पे आपका वो मूव कर दिया, वापस जाओगे इनबॉक्स में तो आपको फिर से वहां पे वो दिख जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप मूव कर सकते हैं। एंड आपको जो है फोल्डर क्रिएट करने के लिए, तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए आप पास यहाँ से देखिए एडिट लेवल में है, अगर आपको कोई भी चीज क्रिएट करना है फोल्डर तो आप यहाँ से, अगर कोई आप नाम देते हो एसडी, आप यहाँ से उस फोल्डर को क्रिएट कर सकते हो। जैसे ही आप क्रिएट करोगे ये देखिए आपका एक फोल्डर क्या हो गया, एसडी नाम का क्रिएट हो गया। अब आपको जितनी भी फाइल्स अपनी रखनी है इस जो एसडी नाम में, जैसे हमने अपने नाम का बनाया हुआ है, इसमें हमारी पूरी हर एक चीजें हैं, जो भी इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं हम अपने फोल्डर्स में ही रख देते हैं ताकि हमें कहीं ढूंढना ना पड़े पूरे मेल्स में, और तुरंत हमें क्या होता है ये मिल भी जाता है। एक इस तरह से हम क्या करेंगे, इनबॉक्स के थ्रू हम अपने एक फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं और उस फोल्डर्स में अपनी इंपॉर्टेंट चीजें हम रख सकते हैं। और अगर आप चाहते हो रिमूव करना उस फोल्डर्स को तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो, उसका न्यू नाम देना चाहते हो तो आप न्यू नाम दे सकते हो, आप आपके अकॉर्डिंग है कि आप क्या करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। ठीक है, पर्सनल हो गया ये आपका, हम वर्क भी हटा दे रहे हैं क्योंकि हमें कोई और कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ हमें एक ही चाहिए, वो भी हम अपना एक सिर्फ रखेंगे, इसलिए हम बाकी सब हटा देंगे। तो इस तरह से हम अपनी फाइल्स को हम रख सकते हैं, जैसे भी आप फोल्डर क्रिएट करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। क्लियर, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम फोल्डर क्रिएट करते हैं। एंड फिर नेक्स्ट देखते हैं हमारा है क्या, उसके बारे में देखेंगे, अपलोडिंग और सेंडिंग ईमेल अटैचमेंट। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि कैसे अपलोड करते हैं, ठीक, और कैसे अगर हमें डाउनलोड करना हो तो कैसे हम डाउनलोड करेंगे। आप उसी तरह मेल पे जाओगे, आप आपको कोई भी चीज डाउनलोड करना हो आप उस पर्टिकुलर जाओगे, ये आपका यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो आप। ठीक है, जैसे हम क्लिक करेंगे तुरंत यहाँ पे डाउनलोड का भी ऑप्शन आता है, उस पर हम डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी हम यहाँ पे नहीं बताएंगे क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको हम शो नहीं करेंगे। ठीक है, वैसे हम देखते हैं अगर और कुछ है तो उसको हम बताते हैं आपको, ओपन करते हैं देखते हैं क्या, फिर हम देखते हैं। सबको फर्जी आपके मैसेज है यहाँ पर, चलिए हम देखते हैं यहाँ पर अपने में देखते हैं फोल्डर्स में आते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी पिक है, जो भी हम पिक चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, ये हमारा फोटो है, अगर हम डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से हम क्लिक करके हम डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये वी स्कैन एंड डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से भी आप अगेन करना चाहते हो तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, उन्हें क्लिक करोगे आप जैसे ही तो आपका ये ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, वो दिख नहीं रहा है, आप शो नहीं कर रहा है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो उसे डाउनलोड कर सकते हो कुछ भी आप। ठीक है, ये आपका ऑप्शन होता है, एंड अपलोडिंग मैंने बता दिया कैसे आप अपलोड करोगे आप। ठीक, तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में, और आगे हम डिस्कस करेंगे अब चैट के बारे में। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, आपने एक बार से फिर से रिवाइज करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।